दोस्तों, क्या आपने कभी मॉडर्न फर्टिलाइज़र यूज़ किए हैं? मॉडर्न फर्टिलाइज़र का मतलब होता है कि सिर्फ आपको एक कुछ भी स्टिक टाइप आपको अपनी सॉइल के अंदर डालना है और आपकी फर्टिलाइजिंग कंप्लीट हो गई ना। आपको उसके अंदर कुछ गुड़ाई करनी है और कोई भी आगे प्रोसेस आपको नहीं करना है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ दो इसी तरह के फर्टिलाइज़र जो कि बिल्कुल मॉडर्न तरीके से डेवलप किए गए हैं, और ये हमें भेजे हैं लेजी गार्डनर ने। ये देखिए, इसमें इनका नाम वगैरह सब मेंशन है। दोस्तों, ये एक तरह की स्टिक है और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक स्टिक है जो कि एनपीके के रेशियो से बनी हुई है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसके अंदर कितना एनपीके यूज़ हुआ है। दोस्तों, ये जो लाल वाली स्टिक आप देख रहे हैं, ये हम यूज़ करेंगे अपने फूल वाले पौधे में जिसमें हमें फूल चाहिए। मतलब कि अगर ये स्टिक अपनी आप प्लांट्स के अंदर यूज़ करते हैं तो आपको बहुत अच्छी ब्लूमिंग मिलेगी। और दोस्तों, दूसरे नंबर पर है हमारे पास ग्रीन स्टिक। अगर आपको जिस प्लांट के अंदर हरियाली चाहिए, सपोज़ कीजिए आपके पास कुछ ग्रीनरी वाले प्लांट है, जैसे कि जेट प्लांट हो गया या कोई भी मनी प्लांट हो गया, इस तरह के प्लांट, या फिर आपके पास बॉन्साई है, अगर आप उनके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी देखना चाहते हैं तो आप इस ग्रीन स्टिक को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इनका तरीका यूज़ करने का क्या होता है। और उससे पहले मैं आपको इन स्टिक्स के बारे में कुछ बताऊँगा। ये पूरी की पूरी जो स्टिक्स हैं ये एनपीके के रेशियो से बनी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो सबसे पहले बात करेंगे रेड वाली स्टिक के बारे में। रेड वाली स्टिक, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर ये स्टिक जो है वो फ्लावर्स की ब्लूमिंग के लिए यूज़ की जाती है। और ये देखिए, और जो ये वाली स्टिक है, इसके अंदर आपको एक पैकेट के अंदर 5 स्टिक मिलेंगी, यानी कि एक पैक के अंदर 5 स्टिक, और टोटल ये आपकी टोटली आपको 60 स्टिक मिलेंगी। दोस्तों, इसके अंदर यूज़ करने का तरीका, अगर आपका 4 इंच का पॉट है तो आपको 1 स्टिक यूज़ करनी है, 6 इंच का तो 2, और सो ऑन। इस तरह से आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस पैकेट के पीछे मिल जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर फुली एनपीके का रेशियो है, तो ये देखिए नाइट्रोजन इसके अंदर 67% है, सॉरी 9.2% है, 7% इसके अंदर फास्फोरस है, और पोटेशियम 7.8% है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, सेम इसी तरह जो हमारी ग्रीन स्टिक है उसके अंदर भी सेम यही फॉर्मूला यूज़ हुआ है, लेकिन उसके अंदर नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो है 10%, फास्फोरस की 5% और पोटेशियम की 6%। यानी कि यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो फास्फोरस है और जो पोटेशियम है इसकी कम हो जाती है। नाइट्रोजन अगर बढ़ रहा है तो उसका मतलब ये है कि हमारे प्लांट को ज़्यादा ग्रीनरी मिलेगी, हमारा प्लांट ज़्यादा हेल्दी रहेगा और वो ज़्यादा हरा भरा हमें दिखाई देगा। और सेम तरीका इसके अंदर यही है। तो दोस्तों, अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं, इसको बहुत ही ईजिली ऑर्डर कर सकते हैं लेजी गार्डनर से। नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और साथ में इसके एक कूपन कोड भी है जहाँ पर आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए इसको खोल कर देखते हैं कि स्टिक जो है वो कैसी है और किस तरह से इसको यूज़ करना है। कागज़ इन्होंने बहुत ही हैवी यूज़ किया हुआ है ताकि आपकी जो स्टिक है वो अच्छी चले। ये देखिए, इस तरह से आपको एक ग्रीन स्टिक निकाल लेनी है, और साथ में मैं इसके एक रेड स्टिक भी निकालूंगा। ये देखिए, ये मैंने निकाल लिया। तो चलिए अब इसको अपने टेरेस पर चलते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि किस प्लांट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मैंने दोनों स्टिक्स अपनी निकाल ली हैं और अब हम इसको यूज़ करने वाले हैं। मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि आपको किस तरह से यूज़ करना है। ये रेड स्टिक है और ये है ग्रीन स्टिक, इनको हम अलग अलग प्लांट्स में यूज़ करेंगे। दोस्तों, ये देखिए, ये एक मेरा गुलाब का प्लांट है, इस पर कितना बड़ा गुलाब आया हुआ है। और ये देखिए, ये जो मेरा ये पॉट है, ये करीब 6 इंच का पॉट है। ये देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसकी जड़ के पास इस स्टिक को रखना है और नीचे गाड़ देना है अपनी फिंगर को पुश करके। ये देखिए, ये दूसरी वाली स्टिक है, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 इंच के अंदर आपको 2 यूज़ करनी है, तो मैं 2 यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप ये स्टिक ज़रूर खरीदें, जो कि लोग फ्लैट्स या फिर अपार्टमेंट में रहते हैं, ये उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।